Hello everyone, we are going to solve one question, which is the snake and ladder. And this problem is mentioned at almost every platform, every competitive platform. So हम लोग इसको टारगेट करेंगे कि हैकरिंग में सॉल्व करने के लिए. आपको पता है कि जो बोर्ड होता है उसमें 100 सेल्स होते हैं और आप अपना जो गेम है वो नंबर वन सेल से स्टार्ट करते हैं. अगर आपको कोई लैडर मिलता है तो आप अप चले जाते हैं, कोई स्नेक मिलता है तो आप डाउन चले जाते हैं. तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये है कि हमें वन से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और डाइस के थ्रू पे हमें आगे चलते चले जाना है. और बताना ये कि मिनिमम कितने डाइस के थ्रू पे आप 100 सेल पे पहुंच जाएंगे. सो एक्चुअली क्या है कि हमें यहाँ पे यही बताना है कि वन से लेके 100 के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी. इसको मैं इस प्रॉब्लम इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ. सो जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा डाइस के थ्रू पे कि डाइस के थ्रू में क्या आता है. और दूसरी चीज जो जिस पे ये डिपेंड करेगा दैट विल बी द लैडर्स एंड द स्नेक्स. अगर लैडर हमारे पास होगा तो हमें वो ऊपर लेके जाएगा क्विकली, और अगर स्नेक हमारे पास होगा तो मुझे क्विकली नीचे लेके आएगा. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे ये नहीं पता कि कौन सा सेल और किस डाइस के थ्रू पे मैं 100 पे पहुंचूंगा क्विकेस्ट वे में. तो इसलिए मैं ये यहाँ पे कुछ अजम्पशंस करता हूँ कि मुझे सारी पॉसिबिलिटीज को इंक्लूड करके रखना पड़ेगा. और इसीलिए मैंने एक स्टेटस या स्टेप्स नाम का एक एरे ले लिया है जिसमें मैं सारे पोजीशंस का या जो बोर्ड में जितने भी पोजीशंस है उनका स्टेटस मार्क करके रखूंगा. क्योंकि 100 वाले प्रॉब्लम को या 100 सेल्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में काफ़ी एफर्ट लगेगा पेन एंड पेपर से. तो मैं एक छोटा सा बोर्ड पिक कर ले रहा हूँ जो कि 30 साइज का बोर्ड है और जिसमें जो इनिशियल स्टेशन है वो 1 है या इनिशियल ब्लॉक 1 है और जो टारगेट ब्लॉक है वो 30 है. सो हमें 1 से 30 पे पहुंचना है. नाउ गेम हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए स्टेटस एरे में हम क्या करते हैं कि जो 1 नंबर सेल है इस 1 नंबर सेल में मैं 0 लिख देता हूँ. इसका मतलब है कि 1 से 1 की जो जर्नी हमारी होगी उसमें 0 एफर्ट लगेगा या 0 स्टेप्स लगेंगे. इसके अलावा हमें क्यू की जरूरत पड़ेगी. आपको पता है कि क्यू की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. तो जो BFS वाला अप्रोच है वही यहाँ पे भी लगेगा. हमने क्या किया कि नंबर्स 1 सेल को इसमें इंक्लूड कर लिया. इसके बाद फिर 1 को हमने डिलीट किया और 1 से देखते हैं कि डाइस के थ्रू पे क्या आता है. सो अगर 1 से डाइस के थ्रू पे आएगा 1 तो हम 2 पे चले जाएंगे. 2 अभी अनमार्क्ड है तो हम 2 पे पहुंच सकते हैं एक एफर्ट में. फिर इसके बाद अगर हमारे डाइस के थ्रू पे 2 आता है सो वी विल मूव टू 3. लेकिन 3 पे एक लैडर है जो मुझे 22 पे लेके जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि 3 नहीं बल्कि हमें 22 का स्टेटस देखना पड़ेगा, क्योंकि हम 22 डायरेक्टली पहुंच सकते हैं. सो 22 नंबर सेल पे पहुंचने में 1 एफर्ट लगेगा या 1 डाइस के थ्रू में हम 22 पे पहुंच जाएंगे. डाइस के थ्रू पे अगर 3 आता है सो इट विल लीड अस टू 4, और 4 अभी इंक्लूड नहीं हुआ है तो 4 को इंक्लूड कर लीजिए. एक स्टेप में आप या एक डाइस के थ्रू में आप 4 पहुंच सकते हैं. फिर इसके बाद डाइस के थ्रू पे अगर 4 आता है तो आप 5 पे पहुंच जाएंगे. 5 पे अगेन एक लैडर है जो आपको 8 पे लेके जाएगा. सो आप 5 का स्टेटस ना चेक करके बल्कि 8 का स्टेटस चेक कीजिए. 8 अभी अनएक्सप्लोर्ड है तो 1 स्टेप में आप 8 पहुंच जाएंगे. डाइस के थ्रू पे अगर 5 आता है सो यू विल मूव टू 6, और डाइस के थ्रू पे अगर 6 आता है तो यू विल मूव टू 7. सो ये जो 6 है अभी अनएक्सप्लोर्ड है, आप देख सकते हैं, तो इसको आप एक्सप्लोर कर लीजिए. 7 भी अनएक्सप्लोर्ड है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. एक स्टेप में आप 7 पे पहुंच सकते हैं. सो ये जो हमारी कंप्यूटेशंस है इसके अकॉर्डिंग जो भी नए स्टेट्स जिन पे हम पहुंचे, मतलब जैसे 2 फिर 22 एंड देन 4 देन 8 एंड देन 7, हमने क्या किया इन सभी को इंक्लूड कर लिया है अपने वो अपने क्यू में. इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी मुझे 30 पे ले जा सकता है, इसलिए मुझे सारी पॉसिबिलिटीज का इंक्लूजन करना पड़ा. अब मैं 2 को इसमें से डिलीट करता हूँ और 2 से डाइस का थ्रो देखता हूँ. अगर मैं डाइस को थ्रो करूंगा 1 आएगा तो मैं 3 पे पहुंच जाऊंगा. 3 का मतलब लैडर है 22 पे लेके जाएगा. 22 ऑलरेडी मार्क्ड है, इसका मतलब दोबारा नहीं जाएंगे. फिर 2 से हम अगर 2 आएगा डाइस के थ्रो पे सो हम चले जाएंगे 4 पे, लेकिन 4 ऑलरेडी मार्क्ड है. डाइस के थ्रू पे अगर 3 आया तो दिस विल लीड अस टू 5. 5 पे एक लैडर है जो हमें 8 पे लेके जाएगा. 8 भी ऑलरेडी मार्क्ड है इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. 2 प्लस 4 6 होगा, 6 भी ऑलरेडी मार्क्ड है. 2 प्लस 5 7 होगा, 7 भी ऑलरेडी मार्क्ड है. 2 प्लस 6 8 होगा, डाइस के थ्रू पे अगर 6 आता है तो 8 पहुंचेंगे, लेकिन 8 भी ऑलरेडी मार्क्ड है.
सो जो रास्ता हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं उसको दोबारा से एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ से 22 को डिलीट किया और 22 से डाइस के थ्रू पे वन आया, विल रीज टू 23। 23 इज अनमार्क, तो इसको मार्क कर दीजिए और स्टेटस इसका टू कर दीजिए। स्टेप्स टू लगेंगे क्योंकि 22 पहुंचने में एक एफर्ट लगा था, 23 में इससे एक ज्यादा लगेगा। सो प्लस टू करेंगे 24 आएगा, और 24 पे भी आप पहले से नहीं पहुंचे, सो 24 पहुंच जाइए दो स्टेप्स में। 22 में एक एफर्ट लगा, 24 में दो एफर्ट लगेगा। डाइस के थ्रो पे अगर 3 आया तो हम 25 पहुंचेंगे। 25 पहले से मार्क नहीं है इसलिए हम इसको मार्क कर लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज मार्क्ड एज 2। देन प्लस 4 आया, इसका मतलब अगर डाइस के थ्रो पे 4 आया तो वी विल रीच टू 26। 26 भी अनमार्क्ड है, आप पहुंच सकते हैं 26 पे दो एफर्ट में। देन अगर आप 5 आएगा तो 27 पहुंचेंगे। 27 पे एक स्नेक है जो आपको 1 पे लेके आएगा। इसका मतलब यह कि आप यह है कि आप 27 का स्टेटस नहीं चेक करेंगे बल्कि आप 1 का स्टेटस चेक करेंगे। तो जो 1 का स्टेटस है वो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो दोबारा से आप 1 पे नहीं जाएंगे, इसको स्किप करते हैं। प्लस 6 करते हैं, मतलब डाइस के थ्रू पे 6 आया है, ये आपको 28 पे लेके जाएगा। 28 पे अभी एक्सप्लोर नहीं है तो इसको 28 को एक्सप्लोर कीजिए, दो स्टेप में आप 28 पहुंच सकते हैं। तो इसके दौरान आपने देखा कि 23, 24, 25, 26 और 28 इसको हमें इंक्लूड कर सकते हैं हम इस क्यू में। सो 23, 24, 25, 26 और 28 इसको हमने क्यू में इंक्लूड कर लिया। इसके बाद हम 4 को डिलीट करते हैं और 4 से देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं। सो 4 से अगर स्टेप अगर डाइस के थ्रू पे 1 आया तो 5, 5 का मतलब एक लैडर जो मुझे 8 पे लेके जाएगा। 8 इज ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड। डाइस के थ्रू पे अगर 2 आता है तो हम 6 पे पहुंचेंगे, 6 ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। 4 प्लस 3 पे 7 आएगा, 7 ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। 4 प्लस 4, डाइस के थ्रू पे 4 आया है, 8 पहुंचेंगे, 8 इज ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड। 4 प्लस 5 पे 9 आएगा, 9 अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है इसलिए आप 9 को क्यू में इंक्लूड कर सकते हैं। और 9 में जो एफर्ट लगेगा वो जितना 4 में लगा उससे एक ज्यादा लगेगा। इसके बाद 6 अगर आया तो हम पहुंच जाएंगे 10 पे, और 10 अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है, हम 10 को इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें लगेंगे 2 और 10 को आप क्यू में इंक्लूड कर लीजिए। फाइन, अब इसके बाद क्यू से हम डिलीट करते हैं 8 को और 8 से पॉसिबिलिटीज का इंक्लूजन देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। सो 8 पे हमारे पास 1 अगर आया तो 9 पहुंचेंगे, 9 ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। 8 प्लस 2 पे 10 आएगा, 10 ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। 8 प्लस 3 पे 11, 11 पे एक सीडी है जो मुझे लेके जाएगी 26 पे, लेकिन 26 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप देख सकते हैं बोर्ड स्टेटस में 26 ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसलिए इस पॉसिबिलिटी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर इसके बाद 8 प्लस 4 पे 12 आएगा, 12 अभी इंक्लूडेड नहीं है, आप 12 को इंक्लूड कर सकते हैं और 12 में उतना एफर्ट लगेगा जितना 8 में लगा उससे एक ज्यादा, जो कि 8 में 1 एफर्ट लगा है तो 12 में 2 एफर्ट लगेगा, 12 को इंक्लूड कर लीजिए क्यू में। देन इसके बाद 5 डाइस के थ्रो पे अगर आता है तो आप पहुंच जाएंगे 13 पे, 13 अभी एक्सप्लोर नहीं है, आप एक्सप्लोर कर दीजिए इसको, दो स्टेप में आप 13 पहुंच जाएंगे, क्यू में डाल दीजिए इसको। फिर 8 प्लस 6 14, 14 भी अभी इंक्लूडेड नहीं है सो 14 को इंक्लूड कर लीजिए, और 14 दो स्टेप में आप पहुंच जाएंगे, 14 को क्यू में भी इंक्लूड कीजिए। इसके बाद हम 7 को डिलीट करते हैं और 7 से जो पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा हम शॉर्टकट अप करते हैं। 7 प्लस 1 8 ऑलरेडी एक्सप्लोर, 7 प्लस 2 9 ऑलरेडी एक्सप्लोर, 7 प्लस 3 10 ऑलरेडी एक्सप्लोर, 7 प्लस 4 11 जो कि एक सीडी है वो जो मुझे लेके जाएगा 26 पे, एंड 26 इज ऑलरेडी एक्सप्लोर। नाउ 7 प्लस 5 इज 12 ऑलरेडी एक्सप्लोर, 7 प्लस 6 13 ऑलरेडी एक्सप्लोर। इसका मतलब है कि ये मुझे कहीं पे भी लेके नहीं जा रहा है। ये या जो वहां पे भी लेके जा रहा है वो पॉसिबिलिटी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते वो, बिकॉज दोज आर नॉट द न्यू पॉसिबिलिटीज। नाउ लेट अस डिलीट दिस 23, और 23 जो है उसमें अगर हम प्लस 1 करते हैं तो 24 आएगा, 24 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। प्लस 2 करेंगे 25 आएगा ऑलरेडी इंक्लूडेड, प्लस 3 करेंगे 26 ऑलरेडी इंक्लूडेड, प्लस 4 करेंगे 27, 27 पे एक स्नेक है जो मुझे 1 पे लेके जाता है, 1 इज ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड। प्लस 5 पे 28 आएगा ऑलरेडी इंक्लूडेड, प्लस 6 पे 29 आएगा, यस 29 अभी एक्सप्लोर नहीं है, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो जितना एफर्ट 23 में लगा उससे एक ज्यादा, मतलब कि 3 स्टेप में आप 29 पहुंच सकते हैं और 29 को हम इस क्यू में इंक्लूड कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद हम 24 को डिलीट करते हैं। 24 पे डाइस का थ्रो अगर 1 आया तो 25, 25 इज ऑलरेडी एक्सप्लोर।
प्लस टू पे 26, प्लस थ्री पे 27, प्लस फोर पे 28, प्लस फाइव पे 29 और प्लस सिक्स पे 30। 30 अभी तक एक्सप्लोर नहीं है, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। जितना एफर्ट 24 में लगा उससे एक ज़्यादा एफर्ट इसमें लगा, मतलब कि 3। जैसे ही आपने 30 को एक्सप्लोर किया है और क्यूम इंक्लूजन इसका किया, आप अपने प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि आप 30 पे पहुंच गए, इसका मतलब कि आपने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। सो ये जो 30 है, यही 30 वाले इंडेक्स पे स्टेटस अरे में जो डेटा वैल्यू 3 है, यही आपका आंसर है कि हम 3 स्टेप्स में या मिनिमम 3 स्टेप में हम पहुंच सकते हैं अपने टारगेट सेल पे जो कि 30 है। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ और चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे जो लैडर्स और स्नेक्स हैं उनकी पोजीशन को देखना पड़ेगा कि वेयर दे आर और वो क्या रोल प्ले करेंगे हमारे इस सोल्यूशन में। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लैडर्स हैं और कौन कौन से स्नेक्स हैं। फाइन, सो चूंकि हमें बोर्ड की जानकारी केवल लैडर्स और स्नेक से ही होगी, सो इसलिए भी जरूरी है कि हम बोर्ड्स के थ्रू जो है स्नेक और लैडर की पोजीशन को जानें। ओके, नाउ अब हमारे पास हम एक काम करते हैं कि एक 2D एरे ले लेते हैं और उस 2D एरे में स्नेक और लैडर्स की सारी जानकारी रख लेते हैं। एक है हमारा स्नेक और एक है लैडर, या इसको मान लेते हैं कि ये लैडर्स वाला एरे है और ये वाला स्नेक वाला एरे है। सुनाओ, जो लैडर वाला एरे है उसमें 2 कॉलम्स हैं, जिसमें एक है स्टार्ट पोजीशन ऑफ द लैडर और एक है एंड पोजीशन ऑफ द लैडर। सिमिलरली जो स्नेक वाला है उसमें एक स्टार्ट पोजीशन और एक एंड पोजीशन। सो पहला लैडर हमारा 3 पे से स्टार्ट हो रहा है और ये हमें 22 पे लेके जाता है। इसी तरह से जो दूसरा लैडर है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पे हमें लेके जाता है। तीसरा लैडर 11 पे स्टार्ट होता है और वो हमें 26 पे लेके जाता है। चौथा लैडर वो 20 पे है और वो मुझे लेके जाता है 29 पे। ये लैडर्स को हमने नोट कर लिया, स्नेक्स को भी नोट कर लेते हैं। सो द फर्स्ट स्नेक इज एट 17 विच लीड्स अस टू 4। दूसरा जो स्नेक है वो 19 पे है और वो हमें लेके जाता है 7 पे। और तीसरा स्नेक है 21 पे जो हमें 9 पे लेके जाता है। लास्ट स्नेक 27 पे है जो हमें 1 पे लेके जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। नाउ हम इस बोर्ड में एंट्री करते हैं और इसमें मान लेते हैं कि जो हमारा बोर्ड है वो 30 साइज का एरे है और इसमें सभी पोजीशंस पे 0 है। तो ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि ब्लैंक का मतलब यहाँ पे सभी पोजीशन पे 0 है। अब इसमें अगर हम एंट्री करें तो 3 से स्टार्ट होने वाला लैडर 22 पे फिनिश होता है, इसका मतलब कि 3 इंडेक्स पे मैंने 22 रख लिया है। 5 से स्टार्ट होने वाला लैडर 8 पे फिनिश होता है, इसलिए हमने 8 यहाँ रख लिया। 11 पे फिनिश होने वाला 26 पे जाता है, इसलिए 26 रख लिया। 20 से स्टार्ट होने वाला 29 पे जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 29 रख लिया। इसी तरह से स्नेक की एंट्री कर लेते हैं। जो 17 पे स्नेक है वो हमें 4 पे लेके जाता है। जो 19 पे स्नेक है वो हमें 7 पे लेके जाता है। 21 वाला स्नेक हमें लेके जाता है 9 पे और 27 वाला जो स्नेक है वो हमें 1 पे लेके जाता है। तो हमने बोर्ड में एंट्री कर ली है। जिस जिन जिन पोजिशन पे बोर्ड में नॉन जीरो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है स्नेक या लैडर, और बाकी जो पोजिशन पे वैल्यूज हैं वो 0 हैं, जो बताता है कि बोर्ड में ना ही सांप है ना सीढ़ी है। तो उनका जो गेम है वो रेगुलर चलेगा और बाकी पोजीशन यहाँ पे स्नेक लैडर उसके अकॉर्डिंग हम जंप्स करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बोर्ड को डिजाइन करना, क्योंकि हमें जो मूव्स हमें पता करने होंगे वो बोर्ड के हिसाब से पता करना होगा। सुनो, 2 केसेस यहाँ पे जनरेट हुए हैं। एक केस वो है जहाँ पे 0 है बोर्ड में और एक केस वो है जहाँ पे 0 नहीं है। तो सोल्यूशन इस तरह से होगा कि हम सबसे पहले देख लेंगे कि जो हमारा बोर्ड है उस बोर्ड के किसी इंडेक्स आई इंडेक्स पे, मान लीजिए आई पे हमें कहा गया कि पहुंचना है, या इसको ऐसे देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्यू से एक वैल्यू को डिलीट किया है। लेट्स से वो वैल्यू जो है वो एक्स है और एक्स से हमने डाइस का थ्रो किया। तो डाइस के कितने थ्रोज पॉसिबल हैं? डाइस के थ्रो में हमें 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज मिलेंगी। सो लेस देन और इक्वल टू 6 आई प्लस प्लस, मान लेते हैं कि जो थ्रो है वो उससे आई आया, तो हमें जो पोजीशन देखनी है वो बोर्ड एक्स प्लस वाई पोजीशन देखनी है। अगर बोर्ड एक्स प्लस वाई पे 0 है, इसका मतलब ये रूटीन पोजीशन है, तो उस केस में आपको क्या करना है, स्टेटस देखना है एक्स प्लस आई का। अगर एक्स प्लस आई का जो स्टेटस है वो -1 है, इसका मतलब कि इस पे आप पहले से नहीं पहुंचे। अगर आप इस पे पहले से नहीं पहुंचे तो पहुंच जाइए। पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेटस ऑफ एक्स प्लस आई को सेट करना होगा स्टेटस ऑफ एक्स, क्योंकि हम एक्स प्लस आई को एक्स के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हैं, उससे एक्स के स्टेटस से एक ज्यादा सेट करना होगा।
और साथ ही साथ क्यू में इस x प्लस आई को हमें इंसर्ट करना होगा। सो ये हमारा इंसर्शन हुआ उस केस में जबकि बोर्ड x प्लस आई पे जीरो है। लेकिन अगर बोर्ड x प्लस आई पे जीरो नहीं है, इसका मतलब वहां पे स्नेक एंड लैडर है। तो मान लेते हैं कि जो इंडेक्स के अंदर जो डेटा वैल्यू है, मतलब कि बोर्ड में एक्स प्लस आई पोजिशन पे जो डेटा वैल्यू है वो वाई है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा वाई का स्टेटस, कि अगर स्टेटस ऑफ वाई जीरो है तो स्टेटस ऑफ वाई माइनस वन, इसका मतलब ये पहले से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। चूंकि पहले से एक्सप्लोर नहीं हुआ तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे कि स्टेटस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू स्टेटस ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि ये वाई एक्स से एक्सप्लोर हुआ है और क्यू में इस वाई वैल्यू को हम पुश कर देंगे। ये जो मेरा प्रोसेस है वो तब तक चलेगा जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 100 नंबर पे स्नेक हो जो मुझे कहीं पे नीचे लेके आता हो। सो इसका मतलब क्या है कि हम 100 पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो ये जो बोर्ड है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा क्यू, या जो गेम है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज को देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी मतलब कि या तो बोर्ड पे जीरो है या बोर्ड पे स्नेक लैडर है, अगर इनको चेक करने के बाद हम ये देखते हैं कि या तो वाई या तो एक्स प्लस आई जीरो हो गया है, तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि हमारा जो गेम है वो फिनिश हो गया है। आप स्टेटस ऑफ 100 उस केस में रिटर्न कर दीजिए, या जैसे इस केस में स्टेटस ऑफ 30 आप रिटर्न कर दीजिए। लेकिन जो ओरिजिनल गेम हमारा होगा उसमें 100 सेल्स होंगे, तो 100 वाला ही जो पोजिशन है वो मेरा फाइनल होगा। तो इसको हम हैकर रैंक पे सॉल्व करके देखते हैं। सो दिस इज दी स्नेक एंड लैडर क्विकेस्ट वे अप नेम प्रॉब्लम। सो एक बार इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। मार्कोव टेक्स आउट हिज स्नेक एंड लैडर गेम, स्टेयर्स एट द बोर्ड एंड वरीज इफ ही कैन सॉल्व इफ आई कैन ऑलवेज रोल द डाइस टू वट एवर नंबर आई वेंट वॉन्ट, वट वुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ द रूल्स टू रीच द डेस्टिनेशन। सो रूल नंबर वन इज सेइंग दैट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्वायर वन लैंड ऑन स्क्वायर 100 विद द एग्जैक्ट रोल ऑफ द डाई, इफ मूविंग द नंबर रोल वुड प्लेस द प्लेयर बियॉन्ड स्क्वायर 100 नो मोर मूव कैन बी मेड। इसका मतलब है कि अगर आप 99 पे और 4 आ गया उसका मतलब तभी आप गेम जीत गए। सो इफ द प्लेयर लैंड्स एट द बेस ऑफ द लैडर द प्लेयर मस्ट क्लाइम द लैडर, लैडर गो अप ओनली, दिस इज ऑब्वियस। इफ द प्लेयर लैंड्स एट द माउथ ऑफ द स्नेक द प्लेयर मस्ट गो डाउन द स्नेक एंड कम आउट थ्रू द टेल, स्नेक गो डाउन ओनली, सो दिस इज ऑल्सो ऑब्वियस। सो यहाँ पे अब एक बार चेक कर लेते हैं इसके इनपुट्स में क्या गिवन है और हमें किस तरह से इस सोल्यूशन को फ्रेम करना है। सो ये जो सोल्यूशन हमारा है वो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज का हमें इंक्लूजन करना है। सो दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द BFS। सो यहाँ पे जो गिवन हमारे पास है वो ये है, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर्स लैडर और वेक्टर ऑफ वेक्टर स्नेक्स। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि वेक्टर ऑफ वेक्टर का क्या मीनिंग है और इसके इसके थ्रू हम क्या क्या इसमें एंट्रीज करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर ऑफ वेक्टर की बात करें। सो लेट्स से दिस इज द वेक्टर ऑफ वेक्टर, और जिसमें कि दो ही कॉलम होंगे, ये लैडर वाला हमारा है और इसमें ये कॉलम है जो कि जीरो कॉलम होगा और ये वन कॉलम है। हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा कि इसके लैडर के एंड पॉइंट्स कौन कौन से। जैसे कि हमने ये कहा कि 3 से 22 है, सो हम सबसे पहले इसमें से एंड पॉइंट निकाल लेते हैं इसके ए और बी। और बोर्ड जो हमने बनाया है, जैसे हमने लास्ट उसमें बोर्ड वाइट बोर्ड पर भी देखा कि बोर्ड जो हमने बनाया है उसमें बोर्ड के ए पोजीशन पे हम बी को सेट कर देंगे। द सिमिलर विल बी द केस विद द स्नेक्स आल्सो, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपको फाइंड करना है। जो कि ये वेक्टर ऑफ वेक्टर है, ये लैडर्स नाम का एक वेक्टर ऑफ वेक्टर है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि पता कर लेते हैं कि कितने लैडर्स हैं टोटल। सो दैट कैन बी फाउंड बाई लैडर्स डॉट साइज। सिमिलरली स्नेक्स फाइंड कर लीजिए कितने स्नेक्स हैं, तो दैट इज लैडर्स स्नेक्स डॉट साइज। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक बोर्ड बनाना है 101 साइज का और स्टेटस बनाना है 101 साइज का। जो बोर्ड है उसमें सभी एलिमेंट्स को जीरो सेट करना है और जो स्नेक है उसमें जो स्टेटस है उसमें सभी एलिमेंट्स को -1 सेट करना है, क्योंकि स्टेटस हमें बताएगा कि कौन सा वर्टेक्स या कौन सा सेल अभी एक्सप्लोर हुआ है या नहीं हुआ है। -1 इंडिकेटर है कि हमारा ये सेल एक्सप्लोर नहीं हुआ है। बोर्ड में जीरो रखने का मतलब है कि वहां पर ना लैडर है ना ही स्नेक है। धीरे धीरे हम उसमें डिपेंडिंग ऑन लैडर्स और स्नेक के वेक्टर और वेक्टर के अकॉर्डिंग हम वहां पे वो वैल्यूज को सेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लैडर्स को सेट कर लेते हैं। और लैडर्स को सेट कैसे किया जाएगा, हमें एंड पॉइंट्स को फाइंड करना पड़ेगा ए एंड बी, एंड अकॉर्डिंगली उसमें हम सेटिंग्स करेंगे।
सो लेट्स मूव डाउन टू दिस पार्ट विच एक्चुअली सेट्स दी लैडर्स एंड द स्नैक्स। सो जितने भी लैडर्स हैं, एन इज द नंबर ऑफ द लैडर, हम एंड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। लैडर आई जीरो से मुझे पहला एंड पॉइंट मिलेगा, और लैडर आई वन से, मतलब कि वन नंबर कॉलम में, हमें बी मिलेगा जो कि दूसरा एंड पॉइंट है। बोर्ड ए में हम बी सेट कर देंगे। सिमिलर विल बी डन फॉर द स्नेक्स ऑल्सो। ए बी फाइंड करेंगे एंड पॉइंट्स, और बोर्ड में ए पोजिशन पे बी सेट कर देंगे। इसके बाद अपना गेम स्टार्ट करते हैं, और गेम में हमें क्यू चाहिए। क्यू में वन नंबर सेल को हम इंसर्ट कर देते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि वन इज द स्टार्टिंग पोजिशन, और वन में पहुंचने में एफर्ट जीरो लगेगा, इसीलिए हमने स्टेटस ऑफ वन में जीरो सेट कर दिया है। फाइन, सो दिस इज दी थिंग। और जब तक हमारा क्यू एम्प्टी हो जाए, हम गेम को चलाते रहेंगे। सबसे पहले हमने इसमें से फ्रंट वर्टेक्स को निकाल लिया, डिलीट कर लिया है, और इसका डाइस का थ्रो करते हैं। तो लूप का मतलब है कि डाइस का थ्रो हो रहा है। डाइस के थ्रो करने पे जो भी हम पोजीशन पहुंच रहे हैं, मतलब कि एक्स प्लस आई पोजीशन, अगर वो जीरो है बोर्ड पे, इसका मतलब क्या है कि ये ना ही सांप वाला केस है ना ही सीढ़ी वाला। अब आप पता कर लीजिए कि अगर आप यहाँ पे पहुंचे हैं पहले से या नहीं पहुंचे हैं, तो स्टेटस ऑफ एक्स प्लस वाई विल टेल यू कि आप यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। अगर माइनस वन है, तो अगर माइनस वन है तो आप स्टेटस अपडेट कीजिए एक्स प्लस आई का, दैट विल बी इक्वल्स टू स्टेटस ऑफ एक्स प्लस वन। उस जो एक्स था, जितना एफर्ट या जितने स्टेप्स लगे थे एक्स को पहुंचने में, उससे एक स्टेप आपको ज्यादा लगा। इसके बाद आपने एक्स प्लस आई को पुश कर दिया क्यू में। अगर बोर्ड पोजीशन पे जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि हमें जो बोर्ड गिवन था उसमें सांप या सीढ़ी है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो एक्स प्लस आई इंडेक्स पे बोर्ड पे जो वैल्यू है, लेट से हमने उसको वाई मिल उसको हमने एक वाई नाम के वेरिएबल में ले लिया है। और अब आपको क्या करना है कि स्टेटस चेक करना है इस वाई का। और अगर स्टेटस ऑफ वाई माइनस वन है, तो इसका मतलब है कि वाई को आपको इंक्लूड करना है क्यू में। कैसे इंक्लूड करेंगे? स्टेटस ऑफ एक्स प्लस स्टेटस ऑफ वाई विल बी इक्वल्स टू स्टेटस ऑफ एक्स प्लस वन, और वाई को हम क्यू में इंसर्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस आपका तब तक चलेगा जब तक कि आपका जो टारगेट सेल है वो अचीव ना हो जाए। इसका मीनिंग है कि अगर एक्स प्लस आई 100 हो गया है या वाई 100 हो गया है, तो दोनों ये चीज को ये इंडिकेट करता है, दोनों इस चीज को ये इंडिकेट करता है कि हम 100 नंबर सेल पे पहुंच गए हैं। वाई को आप यहाँ पे मत डिक्लेयर कीजिए, वाई को हम लेट से यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं ताकि इसका स्कोप नीचे तक रहे। सो अगर एक्स प्लस आई 100 हो गया है, और या फिर वाई 100 हो गया है, मतलब कि बोर्ड के उस सेल में 100 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 67 पे एक सीढ़ी है जो कि 100 पे लेके जाता है, तो वाई की वैल्यू 100 होगी इस केस में। सो आपको क्या करना है कि 100 सेल का जो स्टेटस है उसको रिटर्न कर देना है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि क्यू एम्प्टी हो, क्यू एम्प्टी नहीं है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। सो अगर क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है तो ये चलेगा, लेकिन क्यू एम्प्टी हो गया है, इसका मतलब क्या है कि हम 100 नंबर सेल पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस केस में आप माइनस वन रिटर्न कर दीजिए। सो आइए इसको हम रन करके देखते हैं। सैंपल टेस्ट केस हमारा पास हो गया है। And you can see that all of the test cases have also got passed. We have submitted this problem correctly. So this is the snake and ladder quickest way up named problem in the HackerRank. It's a very interesting problem. I hope you have understood that we are actually employing the method of BFS shortest reach only to solve this problem, because the BFS can be used to find the shortest path also. Thanks for watching this video.